मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर दिखने लगा है हार का डर। सभी उम्मीदवारों को भोपाल बुलाया, किया सतर्क। बीजेपी का दावा, कांग्रेस की हार तय। अब प्रशासन पर हार का ठीकरा फोड़ने की तैयारी। मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव की काउंटिंग होगी। सभी 230 सीटों पर एक साथ काउंटिंग होगी और इसी दिन शाम तक चुनाव परिणाम घोषित हो जाएंगे। उम्मीद है कि 2018 की तरह सरकार की तस्वीर साफ होने में एक दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 2018 के विधानसभा चुनाव की काउंटिंग जब तक पूरी नहीं हो गई थी, तब तक ये साफ नहीं हो पाया था कि किस दल की सरकार बन सकती है। उम्मीद की जा रही है कि दोपहर तक इस बार तस्वीर साफ हो जाएगी। एमपी में जब चुनाव का ऐलान हुआ था, उस समय तक कांग्रेस को सत्ता का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था, लेकिन वोटिंग का समय करीब आते आते बाजी पलटती दिखाई दी। अब मामला एक बार फिर फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं, तो दोनों ही दलों के इंटरनल सर्वे बता रहे हैं कि मामला 2018 की तरह ही फंस सकता है। और इसी डर के चलते कांग्रेस ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिन नेताओं ने पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा और मजबूती से लड़ा, उनसे संपर्क साधना शुरू कर दिया गया है। दरअसल कांग्रेस की फीडबैक रिपोर्ट बता रही है कि दोनों में से कोई भी दल बहुमत के पार नहीं जाएगा। कांग्रेस को इस बात का डर लग रहा है कि मतगणना वो अधिकारी कराएंगे जिनकी नियुक्तियां बीजेपी की सरकार ने की हैं। ऐसे में मतगणना के दौरान बीजेपी के पक्ष में उनका रुझान हो सकता है। इसे लेकर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने दावा किया कि बीजेपी हमेशा से ये कोशिश करती रही है काउंटिंग के दौरान हेराफेरी की उनकी कोशिश होती है, लेकिन कांग्रेस का कोई प्रत्याशी इतना कमजोर नहीं होता है कि गड़बड़ी होने दे। अगर किसी ने गड़बड़ी करने की कोशिश की तो 3 दिसंबर निकल रही है और 4 दिसंबर को सरकार आ रही है। समय बदलते ही बता देंगे, गड़बड़ी करने वालों को सबक सिखा दिया जाएगा। दूसरी ओर बीजेपी का दावा है कांग्रेस चुनाव से पहले ही हार मान चुकी है। इससे पहले उम्मीदवारों का मनोबल बनाए रखने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। बीजेपी हमेशा जनता के वोट के जरिए ही सत्ता में आई है। 2018 में बीजेपी को सीट भले ही कम मिली थी, लेकिन वोट उसे कांग्रेस से भी ज्यादा मिला था और इस बार तो अंतर पहले से बहुत ज्यादा रहेगा। जनता बीजेपी को स्पष्ट बहुमत से जिता रही है और ये 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा। दूसरी ओर कांग्रेस की अपनी तैयारियां चल रही हैं। पार्टी ने सभी 230 उम्मीदवारों को भोपाल बुलाया और मतगणना के दौरान क्या सतर्कता बरती जानी है इसकी जानकारी दी गई। वैसे बीजेपी भी अपने उम्मीदवारों को भोपाल बुला रही है, लेकिन उसे इस मामले में ज़्यादा जल्दी नहीं दिख रही है। कांग्रेस की तरह पार्टी ने ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची भी नहीं मांगी है जिन्होंने चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों का विरोध किया है। फिलहाल कांग्रेस जरूर इन तमाम चीज़ों पर फोकस कर रही है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के दौरान मतगणना संबंधित सभी सीख दी। कांग्रेस ने ये ट्रेनिंग इसलिए दी है कि मतगणना के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो। कई सीटों पर पार्टी के ऐसे उम्मीदवार हैं जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें विशेष रूप से सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। भोपाल से ट्रेनिंग लेने वाले उम्मीदवार अपने क्षेत्रों में लौटेंगे। इसके बाद काउंटिंग के दौरान मतगणना केंद्र के अंदर रहने वाले अपने कार्यकर्ताओं को इसकी ट्रेनिंग देंगे। उन लोगों को ईवीएम के अंदर संभावित गड़बड़ियों की भी जानकारी दी गई है। कांग्रेस की कोशिश है कि अगर कार्यकर्ता ट्रेंड में रहेंगे तो मतगणना स्थल पर गड़बड़ी गुंजाइश कम रहेगी। भोपाल में कांग्रेस के उम्मीदवारों को 2 पालियों में ट्रेनिंग दी गई है। अब सभी की निगाहें 3 दिसंबर को हैं और इस दिन साफ होगा किस दल के हिस्से में जनता ने फैसला सुनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, धनौ दर्पण न्यूज़।